के इस वीडियो में हम सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 5 में हमने समझा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसे कह सकते हैं, यानी हमने सेक्शन 5 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइंड किया था। सेक्शन 6 में हम समझेंगे व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कौन कौन से प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड हो सकते हैं। जनरली जितने भी टाइप्स के प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये सभी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 6 अपने आप में कुछ एक्सेप्शंस को होल्ड करता है और ये उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल हैं, जिनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। चलिए हम आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉ फेवर करता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते रहना चाहिए, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लॉ फेवर्स एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी रादर देन एक्यूमुलेशन। लॉ नहीं चाहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्सन के हाथ में जीवन भर रहे, ठीक है। तो सेक्शन 6 होल्ड्स एक्सेप्शंस और इट होल्ड्स प्रोविजंस रिगार्डिंग नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, तो एक कहता है नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर एनी अदर लॉ। सेक्शन 6 कहता है कि अगर किसी अदर लॉज में, किसी सेपरेट लॉज में, सेपरेट एक्ट में कोई प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है तो हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में कोई प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है तो हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा कहता है नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। सेक्शन 6 क्लॉज ए से लेकर के सेक्शन 6 क्लॉज आई तक उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। चलिए समझते हैं। सेक्शन 6 क्लॉज ए, इसमें तीन तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। सबसे पहला है चांसेस ऑफ हायर अपरेंट, दूसरा चांस ऑफ लेगेसी, और तीसरा एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है, ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, यानी 100% श्योर नहीं है कि ट्रांसफर की जो पूरा प्रॉपर्टी है वो किसी पर्सन को बिलोंग कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। अब इन तीनों ही टर्म को कंबाइंड में हम कहते हैं स्पेस सक्सेसनीज। यानी स्पेस सक्सेसनीज क्या है, एक कंबाइंड टर्म है चांसेस ऑफ हायर अपरेंट, चांस ऑफ लिगेसी और एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो स्पेस सक्सेसनीज का मतलब क्या होता है। स्पेस सक्सेसनीज का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई पर्सन को, किसी पर्सन को ये पॉसिबिलिटी लगता है, ये प्रोबेबिलिटी होता है कि फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर हो सकती है और उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी को आज ही दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो इसे हम कहते हैं स्पेस सक्सेसनीज। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्पेस सक्सेसनीज कहते हैं। लॉ कहता है कि स्पेस सक्सेसनीज के कैटेगरीज में जो भी ट्रांसफर्स होंगे वो क्या होंगे, वॉइड एब इनिशियो होंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम इन तीनों तरह के ट्रांसफर को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मान लो चांस ऑफ हायर अपरेंट। जैसे मान लो ए फादर और इसका सन कौन है, मान लो बी, ठीक है। बी सोच रहा है कि फादर के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका लीगल हायर मैं हूं तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मुझे ट्रांसफर होगा, इसलिए
ये इस होप से क्या कर रहा है, फादर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है मिस्टर सी को। तो ये सभी ट्रांसफर्स क्या होंगे, वॉइड एप इनिशियो होंगे, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, चांस ऑफ लिगेसी। अब देखो, जैसे मान लो ए बी सी तीन पर्सन है, ए बी का अच्छा दोस्त है, इन दोनों के बीच अच्छा रिलेशनशिप है, ए जानता है कि बी का कोई लीगल हायर नहीं है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अगर बी डेथ कर जाता है तो इसका प्रॉपर्टी मुझे आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है सी को। तो ऐसे सभी ट्रांजेक्शन्स में क्या होंगे, वॉइड ऐप इनिशियो होंगे, वॉइड होंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा कह रहा है एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर। अब जैसे मान लो मिस्टर ए कोई लॉटरी का टिकट खरीदता है और वो क्या करता है, मिस्टर बी को इन्फ्लुएंस कर देता है और उसे पूरा आप कह सकते हो कि भरोसा दिला देता है कि लॉटरी का टिकट जो है मैं ही जीतूंगा, तो तुम अभी क्या करो, इस लॉटरी के टिकट को परचेज कर लो। तो यहां पे देखो, क्या वो 100% श्योर है, नो, पॉसिबिलिटी है कि वो जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है। यहां पे क्या है, ये ट्रांजेक्शन क्या है, इलीगल ट्रांजेक्शन है, और ये जो ट्रांसफर है वो क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो ये तीनों तरह के जो ट्रांजेक्शन है जिसमें चांसेस हैं लेकिन 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये सभी ट्रांसफर्स क्या होंगे, वॉइड ऐप इनिशियो होंगे, वॉइड होंगे, और इन्हें टेक्निकल वर्ड में हम क्या कहेंगे, स्पेस सक्सेसनीज कहेंगे। तो आप लिख सकते हो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू स्पेस सक्सेसनीज आर वॉइड ऐप इनिशियो एंड कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, क्लियर। चलो अब सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन सिक्स क्लॉज बी को हम समझते हैं, राइट ऑफ रीएंट्री। राइट ऑफ रेंट्री, अब ये टीनेंट और जो मकान मालिक है उसके बीच की बात है। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए का हाउस, इसमें मिस्टर बी एज ए टीनेंट रह रहे हैं, तो मिस्टर ए के पास क्या है, राइट है कि वो किसी भी समय प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी को सही से टेक केयर नहीं किया जा रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है, ठीक है। तो एक ए बीइंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी पॉसेस द राइट टू एंटर इनटू द प्रॉपर्टी। तो ऐसे सभी प्रॉपर्टीज को क्या बी एज अ टीनेंट ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे सभी प्रॉपर्टीज जहां पे क्या है, राइट ऑफ री एंट्री है, वो भी क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं, ठीक। चलिए सेक्शन सिक्स क्लॉज सी कहता है राइट ऑफ इजमेंट। इजमेंट से जुड़े जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होती है। क्या होता है इजमेंट, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। इजमेंट कहता है, इजमेंट इज अ राइट, इजमेंट क्या होता है, राइट होता है विच द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी हैज टू कंपेल द ओनर ऑफ अनदर प्रॉपर्टी टू अलाउ समथिंग टू बी डन। यानी इसमें आप कह सकते हो कि किसी एक प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो दूसरे प्रॉपर्टी के ओनर को कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है किसी चीज को करने के लिए। और यहां पे क्या होता है, जो दूसरे प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो बाउंड होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, इसे हम कहते हैं ईजमेंट। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो ये है पब्लिक रोड, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। मान लो यहां पे मिस्टर ए कि जमीन है, यहां पे मिस्टर बी का जमीन है, और ये जो स्पेस है यहां पे मान लो मिस्टर सी का जमीन है आधा और ये मिस्टर डी का जमीन है, ठीक। मिस्टर ए ने क्या किया है, यहां पे मान लो हाउस बिल्ड कर लिया, मिस्टर बी ने भी कर लिया, अब मिस्टर सी ने भी कर लिया, मिस्टर ए आसानी से इस रोड का यूज करते थे, मिस्टर बी भी यूज करते थे, क्योंकि अभी डी का घर नहीं बना था तो मिस्टर सी क्या करते थे, इस जमीन का यूज करते थे और यहां से क्या करते थे, रोड की तरफ आया जाया करते थे। अब सपोज मिस्टर डी क्या करता है, यहां पे घर बना लेता है, तो यहां पे प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ रहा है, मिस्टर सी को। क्यों, क्योंकि अब मिस्टर सी रोड तक कैसे आएंगे, तो मिस्टर
सी मिस्टर डी से कह सकते हैं कि आप थोड़ा जमीन छोड़ देना, ये रोड रहेगा, मैं यहां से आ जाया सकूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मिस्टर डी बाउंड है मिस्टर सी की बातों को मानने के लिए, इसे हम कहते हैं राइट ऑफ ईजमेंट। ठीक है, तो जो भी ईजमेंट वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। वो ट्रांसफर कब हो सकती है, वो ट्रांसफर तब हो सकती है जब ओनर ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है जो डी ने छोड़ा है मिस्टर सी के लिए, ये क्या है, ईजमेंट प्रॉपर्टी है एंड इट इज नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। ठीक है, चलिए और फिर क्या कहता है, फिर कहता है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट या रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि वो सभी प्रॉपर्टीज जैसे कि रिलीजियस ऑफिसेस लाइक मुतबली हो गया, महंत हो गया, तो जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टीज होती हैं और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी डोनेशन आते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस आप देखो कह रहा है कि जो अरियर्स इन मेंटेनेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं, लेकिन जो फ्यूचर मेंटेनेंस होंगे दे आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। वो क्या होंगे, नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होंगे। फिर मेयर राइट टू शू है, सेक्शन 6 क्लॉज ई मेयर राइट टू शू। जैसे मान लो ए और बी इन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए एंड बी बोथ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और बी ने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कंडीशंस को ब्रीच कर दिया जिसकी वजह से ए को लॉसेस उठाने पड़े, तो अब बी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सी इज नॉट बाउंड टू फेस द लॉसेस। यहां पे अब बी जो है वो सी को नहीं कह सकता है कि जो लॉसेस ए को हुआ है वो तुम दे दो। तो क्या है, मेयर राइट टू शू। ठीक है, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को ब्रीच किया है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपने लाइबिलिटीज को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर क्या है, फिर है पब्लिक ऑफिस, सेक्शन 6 क्लॉज एफ में पब्लिक ऑफिस के बारे में बात किया जा रहा है। यानी अगर एक पब्लिक सर्वेंट है तो गवर्नमेंट से जो उसके रिलेशंस हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ वो अपनी सैलरीज को भी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्लियर। फिर पेंशन, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपने पेंशन को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्लियर। फिर कह रहा है सेक्शन 6 क्लॉज एच अपोज टू नेचर। ऐसे ट्रांसफर्स या ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि क्या है, अपोज टू नेचर हैं, वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है। अब इसे समझने के लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 को देखना होगा। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, यहां समझते हैं। देखो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट। ये कहता है कि कौन कौन से कंसिडरेशन हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लॉफुल हैं और कौन कौन से नहीं। इसमें बताया गया है कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, इसमें कुछ कंडीशंस डाला गया है कि ये चीजें क्या हैं, अनलॉफुल हैं, और यदि आपका ट्रांजैक्शंस इन कंडीशंस में से किसी एक को फुलफिल करता है तो वो वॉइड ऑफ एन इश्यू है और वो क्या होगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो कह रहा है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, जब तक, इसमें फर्स्ट कह रहा है फॉरबिडन बाय द लॉ, जब तक वो कानून द्वारा निषिद्ध हो, मतलब प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। तो अगर कोई ट्रांसफर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है तो आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। यानी इस नेचर का है कि अगर उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करते हो तो वो दूसरे लॉज के प्रोविजंस को क्या करेगा, दूसरे लॉ के प्रोविजंस को फेल कर देगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने सबसे पहले ही देखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेंशन है।
तो हम उसके साथ कोई भी अल्टरेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि ऐसा नेचर का है कि अगर आप उसे ट्रांसफर करते हो या उसे परमिट करते हो तो वो दूसरे लॉज के प्रोविजंस को प्रोहिबिट कर देगा, तो वो भी क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि जो भी ट्रांसफर होगा उससे क्या होगा, दूसरे पर्सन को इंजरी होगा या दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी को अगर इंजरी होता है तो वो भी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है, क्लियर। फिर कहता है कोर्ट उसे इमोरल डिक्लेयर कर दे और विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये सभी अपोज टू नेचर, ये सभी ट्रांजेक्शन अपोज टू नेचर होंगे और नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर हो जाएंगे, क्लियर। चलिए फिर सेक्शन 6 क्लॉज आई कहता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। इसमें तीन पर्सन के बारे में बात किया गया है, फार्मर, टीनेंट और लेजी, यानी जिसके पास किसी भी प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी है, किसी भी प्रॉपर्टी को किसी पर्सन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका यूज कर रहा है, तो वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एग्जांपल के लिए टीनेंट वाली बात, मान लो टीनेंट किसी घर में रह रहा है तो क्या इज इट लायबल टू ट्रांसफर दैट होम टू अनदर पर्सन, नहीं, ठीक है। उसी तरह मान लो फार्मर जो है वो किसी दूसरे पर्सन के फील्ड में काम कर रहा है, उसके बदले में वो कुछ रेवेन्यू ले रहा है, तो क्या फार्मर इस जमीन को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। सेम यही कंडीशन लेजी के भी कंडीशन में सुइटेबल होगा। तो आई होप कि ये जो सेक्शन 6 है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, जिसमें क्लियरली दो बातों पे फोकस किया जाता है कि अगर किसी सेपरेट एक्ट में कोई प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है तो हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर एक्ट में सेक्शन 6 क्लॉज ए से क्लॉज आई तक उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है जो कि क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।